बहुत अच्छा है। Thank you.
सन्माननीय अतिथींना मी ध्वजारोहणासाठी आमंत्रित करते. उत्सव तीन रंगांचा आभाळी आज सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला. प्रमुख अतिथी तसेच उपस्थित मान्यवरांनी संस्कार पीठाकडे प्रयाण करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. मैं उस भारत की बेटी हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है. वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा है. मैं उस भारत की बेटी हूँ जो वीरता की वसुंधरा है. हाँ, मैं उस भारत की बेटी हूँ. देशभक्तीचे स्फुरण चढलेल्या या स्वातंत्र्य दिनी वीर भावनेच्या बीजारोपणासाठी आमचे एनसीसी कॅडेट्स सज्ज झालेले आहेत. आमच्या शाळेचे छात्र सेनाधिकारी CHM दीक्षांत कोरागडे टू महाराष्ट्र मेडिकल कंपनी ग्रुप नंबर 19 एनसीसी ग्रुप नागपूर यांनी पथसंचलन अहवाल सन्माननीय अध्यक्षांना सादर करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. संदेश मत
सीएचएम दीक्षांत खोबरागड़े। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने देशभक्ति में प्रेरित असलेले आज 100 एनसीसी कैडेट्स ना शपथ देऊन त्यांना देश सेवेसाठी कटिबद्ध करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। हॅलो, सगळ्यांना प्रतिज्ञा घ्यायची आहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सच्चाई एवं श्रद्धा से, मैं सच्चाई एवं श्रद्धा से अपने देश की सेवा करूँगा, अपने देश की सेवा करूँगा तथा तथा नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के नियम एवं अधिनियमों का पालन करूंगा, के नियमों का और अपने समादेशक और अपने समादेशक के आदेश अनुसार हर परेड एवं कैंप में यथा सामर्थ्य अनुसार हाजिर रहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। सर्व मानवरांना आणि सगळ्या उपस्थितांना पुनश्च एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा। पुढील कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मान्यवरांनी दिवाणखान्यात स्थानापन्न व्हावे अशी मी त्यांना विनंती करते। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि तालियों के साथ सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। नागपुर शिक्षक मंडल के अध्यक्ष श्री मोहित शिक्षा सर, सचिव एडवोकेट श्री राजीव देव सर, मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुनील गांव पांडे जी तथा प्राचार्य श्रीमती माधुरी यादव, आप सभी से निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। नागपुर शिक्षक मंडल के अन्य सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी संत संस्था के प्रमुख शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही दादा साहेब धनमटे नगर विद्यालय की ओर से आप सभी का हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आदर सम्मान अभिनंदन। 15 अगस्त 1947 का बर्थडे जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ अंकित है। हमारे देश भारत को 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। भारत माँ के सच्चे सपूतों के त्याग व बलिदान के कारण सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आबाद हुआ और जिसने लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए स्वतंत्रता बंधुता व समता के सिद्धांत को सर्वोपरि माना। हमने आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाकर दुनिया को अपनी उपलब्धियों से रूबरू करवाकर विश्व में प्रगति के विस्तार कायम किए। लाल किले में स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला में लहरा रहे तिरंगे को चंद पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है, ऐ तिरंगे सलाम तुझे है, तेरे खातिर कितनी भूखे पलक
पे खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई, तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नदियों में, उधम सिंह ने उधम नचाया लंदन वाली गलियों में, आजाद भी क्या दीवाना था जिसने उससे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बाकी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जल्दी बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर दे दी, अपनी छाती आगे कर दी, और जलियांवाला बाग जिनका एक लाभ सुनाता है, उनकी दो सांसों के बल पर तू आज तलक लहराता है, तू आज तलक लहराता है। स्मरण रही हवाओं से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। देश पर मर मिटने वाले वीरों को नमन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की शुभ बेला का आगाज करते हैं। शुरुआत करते हैं देशभक्ति से, जिसे अपने गायन से सुरबद्ध करने जा रहे हैं श्री दादा साहेब धनवटे विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के विद्यार्थी। हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं श्री विकास पुजारी सर, तबला वादन में हैं लोकेश्वर होकर, कीबोर्ड बजा रही हैं अनुपमा भोजराज मैम, ऑक्टोपैड में है स्वराष्ट्र के देशभक्ति गीत के बोल हैं, हम धूम को गा रहा है भारत हमको प्यारा है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भारत वह भारत है जिसने विश्व को यह उपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया। मेरा भारत गौतम नानक महावीर का भारत है, जहाँ जन्म के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाता है और पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़ देता है। मेरा भारत वह भारत है जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है, लेकिन ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। जी हाँ, मेरा भारत वीरों की वसुंधरा है, शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है, मानवता का अंतिम आसरा है। प्रस्तावित प्रस्तुत करने के लिए शाला के प्राचार्य श्रीमती माधुरी यावलकर मैम को है मंच पर आमंत्रित कर दिया। नमस्कार। मंचावर उपस्थित नागपूर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय मोहित शहा सर, प्रमुख अतिथी ब्रिगेडियर माननीय श्री सुनील गावपांडे सर, नागपूर शिक्षण मंडळाचे कार्यवाह ॲडव्होकेट माननीय राजीव देव सर, नागपूर शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष माननीय श्री विकास बिझाणे सर, नागपूर शिक्षण मंडळाच्या कार्यकारिणीचे सर्व पदाधिकारी, सर्व संस्थांचे प्रमुख, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर वर्गभगिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक वर्ग आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे त्या सगळ्यांचे मी श्री दादासाहेब धनगडे नगर विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वतीनं मनापासून शब्द सुमनाने स्वागत करते। स्वागतम सुस्वागतम। 15 ऑगस्ट आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन, त्यानिमित्ताने राष्ट्र, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत या मानचिन्हांना वंदन करीत असताना ज्यांच्या समर्पणाने आपल्याला हे भाग्य लाभले आहे त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे। सांगताना अतिशय आनंद होतो की नागपूर शिक्षण मंडळाअंतर्गत संचालित सर्व शिक्षण संस्था मिळून हा राष्ट्रीय सण गेली कित्येक वर्षांपासून एकत्रितपणे साजरा करण्यात येतो आणि या कार्यक्रमाची जबाबदारी श्री दादासाहेब धनगडे नगर विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे असते। आजचा हा स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करताना प्रत्येकाला आनंद होणे स्वाभाविक आहे। स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांची पूर्णता आजच्या या 15 ऑगस्ट 2023 वैशिष्ट्य आहे। हा दिवस साजरा करणं ही औपचारिकता नाही, तर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या या कालखंडाचं सिंहावलोकन करून आतापर्यंत आम्ही काय मिळवलं आणि काय मिळवायचं बाकी आहे याचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे। 1942 मध्ये आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी भारत छोडोचा संकल्प केला होता आणि 1947 मध्ये तो महान संकल्प सिद्ध झाला, भारत स्वतंत्र झाला, भारत मातेला मोकळा श्वास घेण्याचा अधिकार मिळाला। जब सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था तब बापू ने आजादी के बारे में कहा था, आजाद हिंदुस्तान की आजादी का तात्पर्य मेरे दृष्टि में केवल इतना ही है कि दूरस्थ से दूरस्थ, कमजोर से कमजोर और गरीब से गरीब इसकी आंख में आने वाला आंसू उसके गाल पर पहुंचने के पहले पहुंच दिया जा सके, यही आजादी का मायना है। आजादी का ये दिवस, आजादी का ये पर्व मेरी दृष्टि में एक मील के पत्थर के रूप में उभरता है। मैं इसे टचस्टोन नहीं कहना चाहूंगी, मैं इसे जेमस्टोन नहीं कहना चाहूंगी, मैं इसे प्रेशियस स्टोन नहीं कहना चाहूंगी, मेरे लिए ये केवल और केवल माइलस्टोन बना मील का पत्थर है। और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां से हम तय हुए और जहां पर हमने पहुंचने का सफरनामा तय कर रखा है, उस सफरनामे के अंतर्गत हमारा सफर हमें कहां तक लाया, इस बात की जानकारी मील का पत्थर देता है। ये भी बताता है जहां का सफर, जहां से सफर तय था वहां तक पहुंचने में दूरी कितनी बाकी है। इसीलिए आज का ये स्वातंत्र्य दिन एक मील के पत्थर की तरह है जो हमें संकल्प सिद्धि के लिए प्रेरित कर रहा है। बदलते राजकीय परिस्थिति का आढ़ावा घेत अनेक मान्यवर अतिथींनी या व्यासपीठावरून आपले विचार व्यक्त केले आहेत। त्याच मान्यवरांच्या श्रृंखलेमध्ये आजच्या या कार्यक्रमाला आम्हाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले आहेत। 4 दशकं ज्यांनी सैन्य दलामध्ये सेवा दिली आहे आणि विविध मेडल्सनी अलंकृत असलेले ब्रिगेडियर आदरणीय सुनील व्ही गावपांडे सर आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। नागपूर शिक्षण मंडळाच्या वतीनं त्यांचं शब्दसुमनाने स्वागत करतो। तसेच इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करते। मेरी माटी मेरा देश या माध्यमातून पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदींनी
एका नव्या भारताचा संकल्प करण्याचं आवाहन केलं आहे. आपण सर्व मिळून संकल्प करूया एक स्वच्छ भारत बनवण्याचा, गरिबीमुक्त भारताचा, भ्रष्टाचार मुक्त भारताचा, दहशतवाद मुक्त भारताचा. मला सांगताना अतिशय आनंद होतो की शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद माध्यमिक यांच्या वतीनं आमच्या शाळेची निवड झाली. आम्हाला कॉफी टेबल बुक तयार करण्याची संधी मिळाली, ज्यामध्ये आमच्या सगळ्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी शहीदांच्या घरी भेटी देऊन त्यांची सगळी माहिती मिळवली आणि त्या माहितीचं संकलन आमच्या शौर्यांजली आम्ही त्याचं नाव ठेवलेलं आहे. त्या शौर्यांजली या कॉफी टेबल पुस्तकामध्ये त्या सगळ्यांची माहिती आहे आणि आज त्याचा प्रकाशन सोहळा सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते वसंतराव देशपांडे हॉलला आज होणार आहे दुपारी 4 वाजता. ती आमच्यासाठी खूप छान संधी होती आणि ते पुस्तक प्रकाशन झाल्यावर नक्की तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. शेवटी आपल्या सर्वांना या सुंदर पवित्र पावन 77व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देते आणि माझ्या प्रास्ताविकास विराम देते. धन्यवाद. है वर्षा बालाजी के भार रंग कौशल शक्ति बेस मिसाल देख जिनको घबराए कार बुरा होता दुश्मन का हार जिनकी रग रग में है हिंदुस्तान वे शौर्य वीर भारत के जवान है आज हमारे ही मेहमान. जी हाँ, हमारा सौभाग्य है कि आज प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर श्री सुनील का पांडे जी. श्रीमती पंचभाई मैम से निवेदन है कि वे मंच पर आए व आज के हमारे प्रमुख अतिथि जी का परिचय दें. That is Himalaya to Lakshadweep. आपले ब्रिगेडियर सर
ऑफिसर, कभी कार्टून कमांडर, कभी क्वार्टर मास्टर, कभी फील्ड इंजीनियर, कंपनी कमांडर, गैरिसन इंजीनियर, ऑफिस कमांडिंग, कमांडिंग वर्क्स इंजीनियर, जोनल चीफ इंजीनियर, चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, कर्नल, पर्सनल, इंफ्रा नेवल वर्क्स, डिफेंस प्रोडक्शन इत्यादि होते। अर्थात इतकी पदं विश्वितांना सरांनी आर्मीकडून वेगवेगळे कोर्सेस आणि अभ्यासक्रम सुद्धा पूर्ण केले। लष्करी वर्क, लष्करी इंजिनियर या दोन्ही आघाडीच्या कामे योग्य व पूर्ण डेडिकेशनने सरांनी केली। त्यात फील्ड इंजिनियरिंग, हेलिपॅड्स वॉटर अँड इलेक्ट्रिक सप्लाय, फील्ड ट्रॅक्स इन राजस्थान, रोड कन्स्ट्रक्शन इन हिमाचल प्रदेश, मिलिटरी हाऊसेस इन बारामुला, काश्मीर, केरला, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, गुलमर्ग, कलिंपॉंग या ठिकाणांचा समावेश आहे। बरेचदा परिस्थिती अत्यंत विपरीत, कठीण, आतंकी क्षेत्र प्रभावित असायची। लेह लद्दाख, सिक्कीम अशा ठिकाणी त्यांनी बंकर्स, ट्रूप्स हट्स बांधले। हिमाचल प्रदेश मध्ये मनाली जवळ अटल तलेच सुरुवातीच सर्वे अँड रिकनिसन्स ब्रिगेडियर साहेबांनी वर्ष 1988 ला केले। कालांतराने अटल तले 9.2 किलोमीटरची उच्च तुंग पर्वतामधून तयार झाली आणि या कार्यात आपला वैदर्भीय वाटा आहे याचा आम्हाला अभिमान आहे। या सर्व कार्यांकरिता अनेक मेडल्स, पदक, प्रशंसा पत्र सुद्धा मिळाली। जसे फील्ड सर्व्हिस मेडल, ऑपरेशन रक्षक मेडल, 9 इयर्स सर्व्हिस मेडल, हाय अल्टिट्यूड मेडल, ऑपरेशन विजय कारगिल मेडल, लॉन्ग सर्व्हिस मेडल, कमेंडेशन कार्ड्स सुद्धा मिळाले। इतकं चॅलेंजिंग व कठीण कार्य करूनही ब्रिगेडियर साहेब आपल्या नागरी जीवनातही बरंच सामाजिक कार्य करत असतात। सैनिक स्कूल चंद्रपूर बांधण्यात टीम लीडर म्हणून त्यांचे मोठे योगदान आहे। सामाजिक बांधिलकी जपून आपल्या जन्मनगरीत त्यांनी पटन मार्केट व अजनी चौक येथे स्मारक बांधले। रक्षक डिफेन्स प्रिपरेटरी अकॅडमीचे चीफ मेंटर म्हणून ते काम पाहतात। राष्ट्रीय सैनिक संस्था अँड एक्स एअर वॉरियर्स असोसिएशनचे ते मेंबर सुद्धा आहेत। पूर्व सैनिक सेवा परिषद विदर्भ प्रांताचे ते प्रेसिडेंट आहेत। सर विश्वेश्वरय्या पुरस्कार इन टेक्निकल एक्सलन्स, सुरंगी साहित्य पुरस्कार, ह्युमन राईट्स अवॉर्ड इत्यादी पुरस्कारांनी सरांना सन्मानित करण्यात आले आहे। क्रिकेट, बास्केटबॉल, ट्रेकिंग इत्यादी छंद सुद्धा ते जोपासतात। हाफ मॅरेथॉन, वॅकॅथॉन हे पण सर करत असतात। इतकंच नव्हे तर लहान मुलांना तसंच इच्छुकांना आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्समध्ये कसं जॉईन करायचं याचं मार्गदर्शन सुद्धा सर करत असतात। आमच्या विद्यार्थ्यांना देखील याचा लाभ होणार आहे याची मला खात्री आहे। असं उत्तम व्यक्तिमत्व आम्हाला आज प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले हे आमचे सौभाग्यच आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती होणार नाही। म्हणूनच मी म्हणे शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते है, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते है, लाखों के बीच फौजी पहचान। सर आपकी उपलब्धियों को हम सलाम करते हैं। चारों तरफ वो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता वो गान रहे, बरसे असी अनुकंपा ईश्वर की आपके हुक्मों में सदा मुस्कान रहे। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति की एक सुंदर परंपरा। मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगी प्राचार्य श्रीमती माधवी यादवकर मैम जी को कि वे रामपुर शिक्षक मंडल के अध्यक्ष माननीय मोहन जी शाह सर का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। श्री मोहित जी शासन से निवेदन करना चाहूंगी कि आज के हमारे अतिथि ब्रिगेडियर श्री सुनील गांव पाटिल जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। श्रीमती माधुरी आवेकर मैम से निवेदन करती हूँ कि नागपुर शिक्षक मंडल के कार्यवाह एडवोकेट श्री राजीव देव सर का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें।
आप प्रशिक्षक मंडल के उपाध्यक्ष श्री विकास गंजामी सर का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। श्री राधिका सर से निवेदन है कि शाला की प्राचार्य श्रीमती यादवकर मैम का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच उपस्थित है सभी संस्थाओं के माननीय संस्था प्रमुख। सर्वप्रथम श्री दादा साहेब धनपटे नगर विद्यालय घनिष्ठ महाविद्यालय की प्राचार्य से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील गांव पांडे जी का स्वागत पुस्तक भेंट देकर करें। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर जीवन दुर्गार सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि का स्वागत पुस्तक भेंट देकर करें। डॉक्टर जीवन दुर्गार तालियों से स्वागत। श्री गंजामी महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुजीत मित्री सर से निवेदन है कि मुख्य अतिथि का स्वागत पुस्तक भेंट देकर करें। मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुस्तक भेंट देकर करें। तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नागपुर शिक्षक मंडल के केजी की हेडमिस्ट्रेस शाला मैम से निवेदन है कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुस्तक भेंट देकर करें। एक बार अभिनंदन आभार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग की ओर से लेखन वाचन प्रकल्प के अंतर्गत हस्तलिखित की संकल्पना को साकार करने का आदेश दिया गया था। प्राचार्य श्रीमती माधुरी यावलकर मैम के मार्गदर्शन से तथा शिक्षकों के प्रयासों से संकल्पना को विद्यार्थियों ने अपनी कला व कृतियों के माध्यम से मूर्त रूप दिया। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री सुनील गांव पांडे जी से तथा नागपुर शिक्षक मंडल के अध्यक्ष मोहित जी शाह सर से व कार्यवाह श्री राजीव सर से निवेदन करती हूँ कि हस्तलिखित हौसलों की उड़ान का विमोचन करें। हौसलों की उड़ान के अंतर्गत विद्यार्थियों को अलग अलग विषय दिए गए थे, जैसे गोगरी, भारतीय संस्कृति, जागतिक वारसा, बिलीव इन योर सेल्फ, अराइज अ वीक एंड अचीव योर गोल। ऐसे ही विषयों पर लिखकर विद्यार्थियों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। मुख्य संकल्पना शिक्षण विभाग से संबंधित है। कार्यकारी संपादक श्रीमती माधुरी यावलकर मैम है। कलात्मक मुख्य प्रश्न के प्रणेता है वाणबुद्धि सर और सभी शिक्षकों का सहभाग है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो बातों के साथ विद्यार्थियों के इस सराहनीय कार्य का अभिनंदन। The changing face of India is a reflection of the country's transformation in the economic, political and social sphere. The liberalization of the economy, the rise of middle class, the spread of technology and the emergence of new political forces have all contributed to the changing face of India. The changing face of India is a blend of traditional values and modern idea, making it a country that is continuously evolving and growing. The face of India is changing with advancement in various fields. Now the students of Ramesh Chandra English School are going to present PowerPoint presentation
a speech by Rinesh Vidare of class 10, a dance performance on Main Nahi Bharat Ka Chehra Hoon by girls of class 9th and 10th. आइए देखते हैं देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत सर्वप्रथम देखते हैं रमेश चंद्र इंग्लिश स्कूल की प्रस्तुति। Now the student of Ramesh Chandra English School are going to present PowerPoint presentation. And then speech by Nimish Vidar. But it also generates a very strong economical relationship
with countries that are more developed than us. Nearly 70% of India's GDP comes from domestic consumption. As for 2022, India is the 6th largest exporter and 9th largest importer of this world. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection which already exists within inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities towards our country, our nation, our people are. The day we realize our responsibilities and the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do. To build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote, Jis din teri fateh ka parcha is mitti par lehraega, Jis din teri fateh ka parcha is mitti par lehraega, Kya zameen kya aasma ye Hindustan mil jayega. With this, we end our say, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. A speech by Nimish Nagari. Of class 5.
शुभ मौके पर राष्ट्रीय एकात्मता पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक कवि था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। जो साहित्य से संबंधित है वे इस बात को जानते होंगे। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता था। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान। मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है। मेरा देश इसी प्रकार अनेकता में एकता की उज्ज्वल मिसाल है। आइए देखते हैं रमेश चांदन इंग्लिश स्कूल की प्रस्तुति। इतिहास का बड़ा आईना ऐसी खनंद सुनाया गंगा जमुना मेरी आंखें मैं नए भारत का शहर मैं कल भी था मैं आज भी हूं मैं नवयुग का अंदाज भी हूं दुनिया का घर मुझ में इस मिट्टी का आदर मुझ में मैं देश भक्त भी रहा हूं मैं नए भारत का शहर मैं नए भारत का शहर मैं बेटी की मुस्कान में हूं मैं नारी के सुमान में हूं मैं बेटी की मुस्कान मैं नाई की सुमान हूँ विज्ञान में और किसान में हूँ हर वीर में और जवान में हूँ मैं सीमाओं का पहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा हूँ मैं नए भारत का चेहरा
आदरणीय प्रेक्षकों का अभिनंदन। भारत की आजादी के 76 वर्षों में हम भारतवासियों ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की। अब देश स्वतंत्र तेरा से भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। खेल की जमीन से अंतरिक्ष के आसमान तक स्वर्णाक्षरों में दर्ज है हमारी दास्तां। आजाद भारत में हम क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज जैसे बड़े खेलों में विश्व विजेता बने। साथ ही जमीन पर परमाणु परीक्षण, समुद्र में युद्धपोत और अंतरिक्ष में उपग्रह भी लॉन्च किए। अंग्रेज कह गए थे हमारे जाने के बाद देश हमारा बिखर जाएगा, पर नहीं सोचा था अंग्रेजों ने कि भारत सबसे विशाल लोकतांत्रिक रूप में निखर जाएगा। आइए देखते हैं श्री दादा साहेब धनपटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय की देश की उपलब्धियों को बयां करने प्रस्तुति सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अनेक क्षेत्रों की उपलब्धियां एक ही माला में शब्दबद्ध करके जा रही है ये विद्यार्थी। स्वागत है विद्यार्थियों का, जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाइए। विश्वास करने वाले मेरे प्यारे भारतवासियों पर मुझे गर्व है।
देश का पेट भरने वाला, मैं देश का अभिमान, खेत मेरा आशियाना और धरती की मैं पहचान हूँ। बैल मेरे साथ और हल का मैं साथी हूँ। कड़कती धूप में मैं पसीना बहा था। हाँ मैं भारत का किसान हूँ, हाँ मैं भारत का किसान हूँ, हाँ वही जिसे आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मैं वही अन्नदाता हूँ जिसके दम पर आजाद के न जाने कितने वर्षों तक ये देश टिका रहा और आज भी टिका हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे किसानों के माध्यम से देश और दुनिया के अन्य राष्ट्रों पर भूल रहे हैं। हम भारत को सशक्त बनाने का सपना देते हैं, परंतु कभी अति मुश्किल तो कभी अनावृष्टि इन सब पर पानी फेर जाती है, थोड़ा बहुत बचा हुआ इन दिक्कतों की नजरें खा जाती है। पर फिर भी मेरा ईमान मेरे हौसले नहीं घबराते। हाँ बेईमानों को इस दुनिया में मैं अपना आत्म सम्मान नहीं खोता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो आशा का दीप जलाता हूँ। हर रोज दिन पर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज दिन पर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐसी तरह मेरे हौसले खुद से भी बड़े हैं, मेरे हौसले खुद से भी बड़े हैं। देश की तरक्की में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इस कहावत को मूर्त रूप हम किसान दे रहे हैं। आजादी के बाद किसानों ने आधुनिक तकनीकों की सहायता से खेती की और जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम गेहूँ चावल मसाले कपास फल फूल आदि का निर्यात करने में अव्वल स्थान पर है। आज का किसान केवल भारत ही नहीं अपनी संपूर्ण विश्व का अन्नदाता बनने की तैयारी में है। भारत ये दूर नहीं तो हमारे देश का किसान संपूर्ण दुनिया में अपना परचम लहराएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी मंजिल मेरे करीब है, मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसले की बात है, ये मेरी सोच और हौसले। बल्कि सुन नहीं सकती, जिस प्रतिभा खोने पर भी शोहरत खो नहीं सकती, भले दौलत की ताकत से भले वो सारी दुनिया को शहादत की मगर कोई भी कीमत बोल नहीं सकती, कीमत बोल नहीं सकती। Yes, today I will talk about the remarkable progress made by India in various different sectors, solidifying its position as a global player. After certification of 200 years, salute to the Indian spirit that our armed forces are grown to second largest military population in the terms of active military population and the largest military army in the world. Starting with the warship during the 1950s, the induction of the indigenously military light combat aircraft carriers of Indian Navy ship Vikram, the nuclear powered attack submarines, and the latest NOLS missiles have grown on increasing the strength of the Indian Armed Forces. When it comes to the national security, our armed forces have proved their valor time and again. There have been a deafening aggression reply to every enemy that came across the world, like 1971, the Bangladesh Liberation, or the Korean War in 1990. The 20.5 lakh large army faced every attack with steadfast courage. The hardship of 50 degrees Celsius weather to the west, to the minus 30 degrees Celsius chills of the Siachen Glacier does not hamper the spirit of patriotism. The future is not of peace, but of incessant striving. So let's take a pledge that we will live for a nation, and when time comes, will we let die in the service of a motherland? Agar mati ke pute deo mein imaan zinda hai, agar mati ke pute deo mein imaan zinda hai, kabhi is desh ki samruddhi ka imaan zinda hai. Na bhashan se hai umeede, na faidon par hai bharosa, shaheedon ke badaulat, mera Hindustan zinda hai, mera Hindustan zinda hai. समस्याओं के समाधान
Yes, friends. When India became independent in 1947, its GDP was nearly 2.7 lakh crore. Whereas today, Indian gross domestic product has touched the $3.75 trillion mark in 2023. While commemorating the ages of Azadi Ka Amrit Mahotsav and reaping laurels to 140 crore Indians voting in the United Kingdom, Indian economy has secured the remarkable position of the fifth largest economy in the world. Now, India is looked upon as a bright spot in the global economy, and speculations are so high that in coming years, India will become the third largest economy. When the developed economies in the world are in recession or moving to a recession, it has sustained GDP growth with 6.5% in the financial year 2023. Now, India is the fastest growing economy of the world, and we citizens of India hope Indian government should strive hard to bring about economic democracy to ensure comprehensive development of India. अनेकता में एकता देश की अखंडता अनेकता में एकता देश की अखंडता भारत का प्रश्न लहराना है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था अस्तित्व में लाना है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था अस्तित्व में लाना है जय हिंद खेलने लगे करियर बनाने लगे युवा अपने हुनर का दम दिखाने लगे युवा जो उन्हें खेल के खिलाफ थे और उनको भी अपने खेल से चौंका साथ
सर्वप्रथम आप मेरे साथ एक बार जय हिंद पुकारेंगे, से जय हिंद, जय हिंद। आवाज पुलिस सीमा को भी यहाँ से हेरिटेज बिल्डिंग है उसका ध्यान रखते हुए फिर भी से जय हिंद, जय हिंद। सर्वप्रथम भारत माता को वंदन, यहां से फिर पुनश्च सैल्यूट करता हूं अपने तिरंगे को, विजय विश्व तिरंगा प्यार हमारा है। यहां पर उपस्थित मंच पर अनेक मान्यवर है, सामने अनेक मान्यवर है, यहां पर जो उसे बुलाया गया हो ऐसे समूह में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो ग्रुप है उनके कई पदाधिकारी जो यहाँ पर है जो मुझे बुलाया है, इसमें मिस्टर शाह साहब, देव साहब यहाँ पर, मिस्टर बिलधानी, अभी मैंने सुना कि दानी मैडम भी यहाँ पर है, यहाँ पर उपस्थित है। पांडे पांडे सर्कल को अच्छे से जानता हूँ, शुरू में उसे मेरी पहचान है और मेरी नेबर और जो मेरे साथ हमारे घर के बगल में रहती हैं जिनके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज ये प्रोग्राम मैंने स्पेसिफिकली यादव का मैडम जिनको मैं अक्सर देखता हूँ, इनके पति भी शायद आज वो किसी कारण में आए नहीं होंगे यहाँ। साथ ही साथ यहाँ पर इतना अच्छे से संचालन करने वाले का नाम सर मिस्टर सेठ अंशो एज वेल एज पंचवाई मैडम ने भी बहुत अच्छा सा बताया। हालांकि मैं साझा इंसान हूँ, आई एम नॉट अचीव मच, मुझे मौका मिला, मुझे माँ बाप ने फौज में भेजा, उसके मैंने सब कुछ हासिल किया। इसके अलावा शुरू में बहुत अच्छे से अनुष्का, अक्षरा, निमिष और अन्य ये जो कलाकारों ने बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम दिया, चांडल स्कूल ने एज वेल एज दादर डिग्री नगर विद्यालय के बच्चों ने वाकई में। और आखिरकार आई विल नॉट फॉरगेट दैट लिटिल गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, उसका नाम है कीर्ति। कीर्ति हैज बिकम अ ग्रेट फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी प्यारी सी बच्ची है क्योंकि जब ऐसे गिव हर ए बिग क्लैप कीर्ति, क्योंकि जब छोटे बच्चे किसी प्रोग्राम में आते हैं मैं अक्सर छोटे बच्चों को मिलता हूँ सुबह शाम और दूर दूर तक किलोमीटर तक जाता हूँ बच्चों को मिलने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे इस देश की नींव है, ये नींव हमें और मजबूत करनी है और उसी मजबूत करने के लिए हमारे अनेक प्रकल्प चलते हैं, अनेक कैंपेन चलते हैं और उसी में से एक कैंपेन है आजादी का अमृत वर्ष और मेरी माटी मेरा देश। ये जो हमें संदेश दिया हुआ है उसके अंतर्गत ऐसे छोटे बच्चे हमें मिलते हैं और मुझे यकीन होता है कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आऊँ ऐसे छोटे बच्चों के प्रेजेंस से मुझे रिसीप्ट मिल जाती है, मराठी के लिए पावती मिल गई, तो मेरा जो भाषण है वो इसने सुन लिया, इसका मतलब मुझे पूरा मैं पास हो गया परीक्षा। इतने छोटे बच्चों का योगदान होता है इस देश में। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित बच्चे जो पीछे बैठे हुए और जैसे मुझे मैडम ने बताया लगभग 1800 लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, कोई यहाँ बैठे हुए, कोई अन्य क्लासरूम में, कोई डिफरेंट मीडिया के थ्रू है। एनसीसी के बच्चे एक्सलेंट ग्रेड और गुड वर्ड ऑफ कमांड, शायद उसका नाम जरूर रहेगा। और इसी एनसीसी लड़कों से और अन्य लड़कों से भी मैं चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स में ज्वाइन करना अपने देश की रक्षा बढ़ाने करने के लिए आगे आए। पूरे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को 15 अगस्त के अभिनंदन करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हम जानते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री फुल ऑफ आइला, शुरू से अनादिकाल से। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा, हिस्ट्री और हेरिटेज, ये बिल्डिंग हेरिटेज की मुझे मौका मिला था 2 बार यहाँ पर आने का, सिर्फ यहाँ तक आया वापस गया था मैं, क्यों, क्योंकि मैं हेरिटेज सोसाइटी के जरिए आया। आज भी मैं कई जगह नागपुर का हेरिटेज के बारे में मैं दिलचस्पी लेता हूँ, पहले खुद मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं तो पूरा प्योरली टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मैंने एमए हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट किया हुआ है। एंड इंडिया इज रिप्लीट विद एनेक्डोट्स इन्यूमरेबल, इट इज फुल ऑफ हिस्ट्री, फुल ऑफ हेरिटेज, लेकिन
उस हेरिटेज को, उस हिस्ट्री को हमने नहीं, लगभग पिछले 1950 साल तक अनेक आक्रमणकारियों ने इस देश को हिला कर रख दिया था। भारत हमेशा, याद रखिए, भारत हमेशा मैत्रीपूर्ण देश है, सौहार्दपूर्ण देश है, लेकिन यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया, यहाँ की जो भाषा था, यहाँ की संस्कृति थी, उसे हिला कर रख दिया। हम बिखर गए क्योंकि हम लोग हमेशा सनातनी, हम लोग हमेशा निशा के से प्यार करते हैं, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। अरे हम तो चीटी को नहीं मारते, ऐसा देश किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, सिर्फ सिंपल रहता है, उसके ऊपर बाहरी ताकतों ने आके हमारी धरोहर छीनना शुरू कर दिया और उन्होंने किया 1800 सेंचुरी ऑनवर्ड्स। कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जो मुझे हिस्ट्री के अंदर सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक छोटा आक्रमण परकियों के ऊपर किया था, नहीं तो हम कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। लेकिन कोई उस किस्म का दिखाने का प्रयास करता है तो भारत को हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ता है। कई सालों तक मुगलों का आक्रमण चलता रहा, उन्होंने यहाँ पे अंधाधुंध कतलेआम की कई चीजों का हम देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक का इंटीरियर होता है, विदर्भ और नीचे तक पूरा खिलची और कई साम्राज्यों ने इसका नाश कर दिया। मैं चाहूंगा कि हमने, आपने, हमने सब लोगों ने जो हिस्ट्री का जो अवेलेबिलिटी है, आई विल नॉट से कि जस्ट विजिट दी नेट, किताबें पढ़कर हमने बच्चों को बताने और उन्हें सब जागरूक करने की हमारी धरोहर क्या है। मुगलों के समय ही पोर्तु फ्रेंच लोग आए, उन्होंने भी यहाँ से कई चीजें लूट के लेके गया, अत्याचार किए, दे हैव किल्ड द पीपल इन थाउजेंड्स। रिसेंटली आई रीड अ रिपोर्ट, इस चीज का, क्योंकि जब तक हमारे रोंगटे खड़े नहीं होंगे हम इस देश को बलशाली नहीं बना सकेंगे। हम जो प्रधानमंत्री का जो हमारा विजन है 2047 को भारत पूर्ण विकसित हो और बलशाली हो, उसके लिए हमको हमारा इतिहास जानना जरूरी है, हमारा कंप्लीट धरोहर का हमें ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। जो छोटे छोटे बच्चे जैसे कृति का मैंने नाम लिया, उनको भी हमें बताना है। फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, आखिर में अंग्रेज लोग भी हैं जो यहाँ पर अपना डेरा डाल के लगभग 150 साल तक है, उन्होंने यहाँ से सब कुछ यहाँ तक कि हमारा कोहिनूर और सिंहासन भी लेके गए, हमारा कपास लेकर और उसी कपास को बोलकर वो डेली ट्रीम में हमें वापस भेज गए, हम उसको खरीदते, यहाँ तक कि संस्कृति बदल गई। मैकॉले है नो इंटेंशन टू कंप्लीट इंडिया, लॉर्ड मैकॉले, आई विल नॉट से ही इज अ लॉर्ड, ही वाज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, बट ब्रिटिश पीपल एंड द क्राउन प्रमोटेड हिम टू द स्टेटस ऑफ लॉर्ड इन देयर हाउस ऑफ कॉमन्स एंड एल्सवेयर। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो यहाँ पर आए सिर्फ 4 साल के, 1834 से 1838 तक, और उन्होंने यहाँ की जो शिक्षण प्रणाली थी उसका ओवरऑल, आई वांटेड टू लर्न संस्कृत, उसने मुझे 40 साल लगे कोर्स से आने के बाद, जस्ट टू लर्न लिटिल बिट ऑफ संस्कृत सो दैट आई एम एबल टू रीड माय गीता, I am able to comprehend the 18 adhyayas, I am able to learn something out of those 700 shlokas. Then only I can tell others, otherwise I will be blank. I got huge knowledge, but that is all export imported knowledge. What about the knowledge of this dharti ka? Yahan ki jo dharo hai, us dharo ko upar lane ke liye, logon ne prayas kiye honge, main ye nahi kehta ki ye le, lekin usko pichle 9 saal se जो रूप दिया है, जो चैतन्य जो है, जो मार्गदर्शन दिया है हमारे प्रेजेंट जो लोगों है, उसके वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। और पिछले 9 साल में वाकई इस देश में देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पुनश्च जागृत हो रही है। हम देखते हैं छोटे छोटे देश में आज इस रंगारंग कार्यक्रम में सुंदर पोशाकों में आप सब लोग है, वो भी एक उसका प्रति है। और ये जो 9 साल में जो बताया गया है और उस तरीके से यहाँ तक लाया है, और सिर्फ यही नहीं, हमें हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा जो कैंपेन है 12 मार्च 2021 से शुरू करके 15 अगस्त 2023 तक आजादी के अमृत वर्ष, क्योंकि आजादी का अमृत वर्ष पिछले साल खत्म हुआ था 15 अगस्त 2022 को, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने देखा और पढ़ा और जो ज्ञान किया तो उन्होंने सोचा कि अभी तक जो मुद्दा बनाया था आजादी के अमृत वर्ष में वो अभी तक नीचे तक नहीं पहुंचा, अभी तक गांव तक नहीं गया। I keep visiting the smaller places with it, only Vidarbha, because मेरा दायरा, my focus is Vidarbha. जब तक Vidarbha interior में हम नहीं जाएंगे तो बाहर लोग नहीं आएंगे, उसके लिए छोटे छोटे जगह जाता हूँ, चाहे वो गढ़सा दूर हो, राजूरा हो, एलोली हो,
या सातवा हो, बहिरगांव हो, अनेक जगह जाके छोटे छोटे स्कूल में, जैसे आज मैं स्कूल इज माई विजिटिंग स्टेशन, चाहे वो नगर पालिका की स्कूल हो, जिला परिषद की स्कूल हो या अन्य स्कूल। और उसमें जब मोदी साहब ने जब देखा कि 75 हफ्ते कम पड़ गए तो उन्होंने आजादी का अमृत वर्ष एक साल बढ़ा दिया। उसमें आज हम 12 मार्च से लेके अब तो 15 अगस्त 2023 तक हम लोग आजादी के अमृत वर्ष मना रहे, क्योंकि प्लूरल हो गया, अनेक वचन हो गया, एक साल से बढ़ गया। ऐसे आजादी के अमृत वर्ष में जब देखा गया उन्होंने कि और हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी तक तो हमने पिछले 1950 साल तक लगभग 1947 तक हम लोग स्वतंत्र का अभियान लड़ रहे थे, हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे। आजादी के बाद हमें मौका मिला तो हम लोग हमारी उन्नति का संग्राम कर रहे हैं। ये उन्नति का संग्राम जो पहले तो स्वतंत्रता संग्राम था, आजादी के बाद हमें टप्पे टप्पे से, चाहे हमें जैसे इन्होंने बताया न्यू फेस ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज बताई, उस तरीके से अपने अभी उन्नति का संग्राम है। ये उन्नति का संग्राम हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमें विजन दिया, इट शुड बी टेकन अप टू द ईयर 2047 सो दैट वी कैन बी एन एक्सेलेंट नेशन। और इस चीज के द्वारा होता क्या है, क्योंकि कई लोग अपनी धरोहर भूल गए, कई लोग अपना जो इतिहास भूल गए, ये बात नहीं है, हमें हमें मालूम था। आज हमें कई लोगों को अपने नागपुर में जो अनाम भी है उसके बारे में ध्यान नहीं था, चाहे वो शंकर महल्ले हो या काकर हो, सोने इवन इंद्रदेव चित्र हो, 93 ईयर ओल्ड पार्टिसिपेटेड इन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करो, और उसमें कई चीजें इसके अलावा उसमें ये दो तीन जो प्रोग्राम है, दे आर पार्ट ऑफ द मेरी माननीय मेरा देश। सिर्फ दुख की बात ये है कि हमारे देश में कई जनरेशन, स्पेशली यंग जनरेशन, हम उसको दोष नहीं दे रहे, लेकिन किसी कारणवश सिस्टम की वजह से भूल गए थे, उसमें उनको आदेश निकालना पड़ा। सरकार को इस देश में आदेश निकालना पड़ा कि तुम वीर सेनानियों का सम्मान करो, वीर सेनानियों को बोलो उनके हाथ से झंडा बंधन करो, उनसे कई जगह ऐसे हम देख कर आगे पीछे, तो ये सब क्योंकि कई लोग इसको भूल गए और उसको हमें भूलना नहीं। हमारे लोगों ने इस भारतवर्ष के किसानों ने, इस धरती के साधुओं ने, इस भूमि के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण अपने सर्वस्व अर्पण किया। अरे हम लोग तो सिर्फ हल लेके लड़ते थे अंग्रेजों के साथ 1770 में, हम लोग सिर्फ लकड़ियां और लाठी लेके, हमारे जो आदिवासी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, जबकि वो बंदूक और तोपों से लड़ते। आई वॉज मेंशनिंग, आई जस्ट गॉट दिस ऑस्ट्रेलियन का एक रिपोर्ट आया हुआ, जितना उसमें सत्य है तथ्य है मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा है कि सिंस 17th सेंचुरी टिल 1932 या 1942 तक भारत के 10 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ सिर्फ आजादी के लिए, ये रिपोर्ट आया हुआ है। आई विल फर्दर स्टडी दैट, लेकिन जो मुझे मालूम है जो ऑथेंटिक लिस्ट है, 12 साल के बच्चों को भी अंग्रेजों ने फांसी दिया, 18 साल के खुदीराम बोस को उन्होंने फांसी दिया, भगत सिंह के रिलेटिव्स को मैं सिंह साहब स्पोर्ट्स में जाके मिलता था, बहुत बुरा लगता था। पंजाब में उनके पास जलंधर के पास उनकी माता जी बाग में घुसे थे, छोटे छोटे लड़कों को अंग्रेजों ने किसी कारण के ऊपर उनको मृत्यु दंड दे दिया। ऑथेंटिक लिस्ट जो है उसमें से 153 लोगों को 153 persons were hanged till death by the British Imperial Forces। क्या हम देख सकते हैं इसको? नहीं। आज उसी मीटर को एक भारतीय कमांड कर रहा है ऋषि सुनक, उसी ब्रिटेन के कई कंपनियों के अपने हेड है वो पूरे भारतीय है। अरे यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस्टर देशपांडे एज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन दैट कंपनी इज अबाउट टू कंट्रोल दैट कंपनी, ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट डूइंग द सेम एक्टिविटीज नाउ, जो व्यापार करने गए थे मसालों का वो यहां से राज करने गए। उन्होंने भी कुछ चीजें सिखाई बिल्कुल सही है, लेकिन
उसके दौरान हम हमारी धरोहर भूल गए उस पर हमको पुनश्चित जागरूक करना। हमारा देश बहुत बड़ा, इसकी सीमाएं बहुत बड़ा थी, लेकिन इसको बाद में खंडित किया गया। इस खंडित को रोकने के लिए पुनश्चित भारत के एकत्रित लाना हमारा काम है। कई लोग बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें मिली है स्वतंत्रता, हमें इंडिपेंडेंस मिला है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस देते समय विभाजन की विभीषिका भी हम लोग उसको देते हैं। इसलिए जो दुष्परिणाम है, कई चीजें मैं बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ अपने नाभि से निकाल के, क्योंकि कई तथ्य लोगों के सामने आते नहीं है, इवन हमारे हिस्ट्री बुक्स में उसके कारण कई है, क्योंकि कौन थे राष्ट्रीय नेता बोलो या लिखने वाले, पिछले 6-7 साल से लेडीज एंड जेंटलमैन और बुक्स आर रिप्लीट इन गुड अमाउंट ऑफ हिस्ट्री। अदरवाइज इवन छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक अच्छा लेसन मिलता महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक किताबों में, लेकिन अभी जो पिछले जो किताब निकला हुआ है आप देखो EBS एनवायरमेंटल साइंस 2 Part 2 जो किताब निकला हुआ है 4 स्टैंडर्ड का, इट इज एक्सलेंट, क्योंकि अभी लोगों को प्रकाशित कब 75 साल होने के बाद 70 साल होने के उसमें हर जगह जगह हमने इस चीज का जागर करना है, हमने लोगों को बताना है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। मुझे यकीन है कि ये जो हौसलों की उड़ान जो हस्तलिखित जो किताब या ग्रंथ बना हुआ है उसमें मिसेस यावत ने मुझे बताया कि ऐसे कुछ निबंध या कुछ उनका मनोगत ऐसा चीजों का उल्लेख है, बहुत उल्लेखनीय बात है। हम जब यहाँ पर हैं इस देश में, हम इसको आगे ले जाते हैं। मैं यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं ये थोड़े से पूरे उम्र से बड़े उसमें मैं इस लेवल पे बात करूँ, जहाँ बच्चे होते हैं बच्चों का भी उस तरीके से बता, लेकिन हमें ये जो नॉलेज है पास ऑन करना, हमें हमारे रूट से डटे रहना। मुझे किसी ने रोका नहीं, कल सुबह यहाँ से अमेरिका शुरू आई कैन इजीली गो टू कैनेडा, आई कैन गो टू सो मेनी कंट्रीज। मेरे को इस प्रोग्राम के लिए अमेरिका से 2 इन्विटेशन आए अभी कि इस भूम वी कॉल द डायस्पोरा ऑफ अमेरिका। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अनेक लोग हैं वहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने हमारे विदर्भ में जाना चाहिए। आए भी मुझे लोग, मैंने बंद कर दिया था, हम लोग हमारी धरती को ही आगे लगे, वी विल बी सुपर पावर, पीपल विल कम टू इंडिया। आजकल अभी हमें IIM फॉरन में खोल दिया, इवन IIT से मोर ओपन, इंडिया की जो धरोहर है हमारी जो संस्कृति है हम इसको धीरे धीरे एक्सपोर्ट करते, वहां पर हमने इस चीज का ढांचा बनाया है, इसका इम्प्रेशन वहां पर क्रिएट करना, और वो हमारे इन प्रोग्राम से इन बच्चों को इन NCC स्टूडेंट्स को बताते हुए हमें इसको आगे ले चलना है। मुझे यकीन है कि जो लड़के अन्य क्लास में भी सुन रहे हैं ऊपर में नहीं सुन रहे, तो बच्चों आप ऊपर में बैठे हुए बोर्ड मत होना, मैं बहुत हाई लेवल की बातें नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, क्योंकि सुबह से आप लोग तैयार होकर आए हो घर से जो अन्य जगह बैठे हो। ये जो हॉल भी है यहाँ पर भी देखो इतिहास कितना गवाह है, ये झरोगे ये जिस विंडो पेन्स ये जो फोटोग्राफ्स लगे हुए ये जो बिल्डिंग की जो खुशबू है पुरानी बिल्डिंग की वो खुशबू से आज भी पसंद करती है, कई जगह जाके इसका अनुभव लेते रहता हूँ, और इस सब का अनुभव हमें ऐसे जगह आने से मिलता है, उसके मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। आगे चलते भी कभी एक बार और डिटेल में देखने के लिए आऊंगा। हमारा जो प्रवास रहा है वो प्रवास हमारा अध्यात्म से भी है, शैक्षणिक भी है, और आगे चल के हमें उसमें लश्करी प्रवाह भी है। हम देखें तो वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक तो मैं लश्कर से हूँ, मैं फौज से हूँ, मैंने लगभग मेरे 40 साल फौज में गुजारे, कम भी होते मेरा जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो गया मेरे हाथ में 5 एक्सलेंट जॉब्स थे, वेरी हाई फ्लाइंग जॉब्स, इवन इन 1970 में मुझे किसी चीज की दर्द नहीं, पहले भी नहीं थी आज भी नहीं, मैं तो आज कहीं हाथ लगा तो वहां से पैसा लूँ, लेकिन वो उद्देश्य उद्देश्य मेरा सिर्फ सेवा है। और मिलिट्री में किसी को भी आपके बच्चों को भेजना है उसमें मैं बताना, आप अपने माध्यम से अपने घर में आप कोई पेरेंट से कोई ग्रैंड पेरेंट से बच्चों को बताइए, मिलिट्री इज अ सेवा, इट्स नॉट ए जॉब, इट्स नॉट ए व्यवसाय, व्यवसाय में तुम प्रॉफिट कमाते हो और सेवा में तुम सर्वस्व देते हो, ये फर्क है उसका, और जो कुछ तुम्हें मिलना है वो तुमको मिलता है। कई बार लड़के पैकेज की बात करते हैं, प्लीज रिमूव दैट वर्ड, डू नॉट टेल एनीबॉडी एनीथिंग। हम कई बार बातों बातों में बताते रहते हैं कि तुम ये सीखो, यू डू द वेल, यू कीप डूइंग द ग्राफिक्स, इट्स फॉर अ गुड फ्यूचर, यू विल गो दिस वे, यू विल गो दैट वे,
I am also qualified. I am one of the earliest person who has done the PGDIT. शायद वो किसी ने बताया नहीं होगा. I have done the PGDIT also. I have done the PGDIT diploma. And in 2000, I was a topper. मुझे जो सर्टिफिकेट दिया था वो डॉक्टर अमर सिंह ने दिया द बेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी विच इज इन सिलीगुड़ी. I was posted in the second line. सब काम होने के बाद में यूनिट में जाना था क्लास को 17 से 18 किलोमीटर दूर था. I was near the दार्जिलिंग का जो फुटिंग्स दार्जिलिंग का पायदेशी वहां से मैं जाता था क्लास अटेंड करता था. इन ऑल द थ्री सेमेस्टर आई केम फर्स्ट. जबकि मेरे कॉम्पिटिशन में सारे बीसीए के थे. दोज हु हैड डन द बीसीए दे हैड कम फॉर डूइंग द पोस्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. हम वो भी करते जा सकते लेकिन हमने इस डैम को इस देश को आगे बढ़ाने में लगा. यहाँ पर जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे आप ही ये सुनना है आप आगे जा सकते कई क्षेत्र हैं आपके पास. आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो आगे चल रही आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और आप लश्करी सेवा में जा सकते हो. कोई कठिन नहीं है जाना. प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है. अभी मुझे कहीं बुलाया था मैं वहां गया दो तीन लोग मिल गए मुझे लड़के लड़के और बोलते थे कि बहुत कठिन होता है सर. और मैंने उसने हिंदी की परीक्षा ली. एक लड़की मुझे मिली है दरियापुर अमरावती से और वो कहती है कि नहीं बहुत फिजिकल होता है. किसने उनको रखता है बहुत फिजिकल होता है. ऐसे भ्रम मन में नहीं रखना चाहिए. वन डजंट नीड टू बी धारा सिंह और तुमको मल्लेश्वर नहीं मानना है. यू हैव टू बी रीजनेबल यू हैव टू बी गुड बट यू हैव टू बी एक्सलेंट इन यूर स्टडीज. आपको अधिकारी होना है आपको एक अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बनना है आपको अभ्यास में अच्छा होना चाहिए. वो अभ्यास हम करते रहेंगे डे टू डे यू कैन अचीव कर रहे. अरे आप देखिए एक किसान की लड़की फाइटर पायलट बनती है एक चाय वाले की बेटी एमपी से चीज बिकम ए नेवल ऑफिसर. एक रिक्शा वाले की लड़की आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई आज सीएचपी में काम करती है. हमारे लड़के लड़के कहाँ है वेर आर दे व्हाई वी आर लूजिंग द कस्टमर. पिछले 7 साल से एज वेल एज 7 ईयर्स शायद मैडम भी जानती होगी सुनते होंगे लास्ट 7 ईयर्स मैं अपने नाभि से आप निकाल के लोगों को बता रहा हूँ मैं जानती हूँ कि कंटल द क्लासेस भी से सो मेनी क्लासेस चार पांडवी पांडे भी सर भी जानते हैं तो कब नहीं इनके पास भी आया था. बट हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा टक्का काम है हमारे से लोग आके आगे आगे आते हैं. कारण मुझे नहीं पता शायद देखते कि एक कोई दोस्त है वो फेल हो गया या सिलेक्ट नहीं हो गया इसका मतलब आसमान नहीं है. हम लड़कों को पांचवी कक्षा में होते हुए जब वो पांचवी में होता है उसको सैनिक स्कूल में भेजने का प्रयास कर सकते हैं जो पांचवी कक्षा में उसे फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन के ऊपर. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अभी हमारे जैसे या पुराने जैसे फॉर्म लिखने का नहीं है इट्स ऑनलाइन सिंपल फॉर्म. उसका इम्तिहान होता है जनवरी की फर्स्ट संडे को नागपुर के सेंटर. प्रयास करो अपने बच्चों को और बेटियों को मोटिवेट करो. पहले बेटियों के लिए अप्लीकेबल है क्या पिछले 2 साल से बेटियों को सैनिक स्कूल में भी जा सकते हैं और पिछले 1 साल से एनडीए में भी जा सकते हैं. एनडीए में 19 लड़कियां गई हैं 1-5 देखा कि लड़की क्या हम बताते हैं कैसे हर लड़का लड़की सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल करके फॉरेन में जाना चाहता है कहीं ना कहीं उसे आर्ट लगानी चाहिए. और कोई और जब पूछता हूं तो बोलते हमें नो ऐसा नहीं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. अपनी इंडो एकेडमी भी खुली हुई और हमने भी उसका प्रचार करना चाहिए प्रसार करना चाहिए. इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन बुक्स इन द न्यूज पेपर आती रहती है. पिछले 3 महीने 6 साल के कैंपेन आ चुके हैं जॉइन इंडियन आर्मी डॉट फॉर डॉट इन जॉइन इंडियन नेवी डॉट और डॉट इन ऐसे कई जगह हमने प्रयास करो. वहाँ नहीं जा सकते तो 12th में जब होता है लड़का लड़की एनडीए की परीक्षा हाँ थोड़ी सी टफ होगी. इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट वेरी टफ. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम. इंडिया ब्रिटेन जर्मनी एंड रशिया ये चारों की जो परीक्षा है टफेस्ट परीक्षा वर्ल्ड. यू कैन क्लियर आईएएस यू कैन क्लियर आईपीएस यू कैन गो टू यूएसए शी कैन गो टू कैनेडा दैट वन कैन गो टू न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मेक्सिको एनीवेयर. इट इज ईजी ईजी यू डोंट हैव टू अपीयर इन एनी स्पर्धात्मक परीक्षा नहीं देनी पड़ती. सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा लगता है लोग गिरवी रखते थे मकान लोग माँ बहनों के गहने रखते थे फॉरेन में चले गए बिकॉज दे आर रेडी. कई अन्य देशों में वो टेबल लगा के पेड़ के नीचे बैठे दे वांट विदर यू गो टू द वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी विदर यू गो टू द एमपी दे आर वेटिंग दैट द इंडियंस और द एशियन शुड कम विद देयर बैग फुल ऑफ मनी
में समा दे और सारी नौकरी करते वहां पर। यहाँ पे अच्छे पद हासिल करो और अच्छे पद हासिल करने के लिए ये जो स्कूल का जैसे मार्गदर्शन और अन्य स्कूल जो मार्गदर्शन था उसका फायदा लेना है, उसमें से वो विद्या भी होता है। यहाँ पे कई टीचर्स आए हैं जो हमारी पांच संस्था है, मैं पूरे मुझे पार्ट नहीं थे लेकिन जो पांचों संस्था के नाम मुझे पता है। यहाँ पे जो था डी डी नगर विद्यालय एंड विद्यालय 154 साल लोग उसे देख मथुरादास मोहता विद्यालय वो भी यहाँ पे लोग हाथ खड़े थे उसके हैं, आप लोग पढ़ा रहे हो महाविद्यालय कम दिखे लेकिन अन्य मुझे मेरे भी एक दो लोग उसमें देखा था। श्रीमती बिजारी महाविद्यालय बोर्ड पीछे पड़ा एक्सलेंट पड़ा, दैट्स वेरी नाइस, लेडीज आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, दे आर द लीडिंग कोर्स, हमारे राष्ट्रपति ही लीड कर सेंटर में भी कई लेडीज दे आर डूइंग फैबुलस जॉब और वीर पत्नी वीर माताओं का तो पूछो मत, दे आर द ड्राइविंग लाइट टू द नेशन। बहुत काम करती है लेडीज एंड वी शुड नेवर फॉरगेट कि घर में रहना हमेशा, वो घर भी संभालती है बच्चों को संभालती है और कहते हैं कि हस्बैंड को भी संभालती है और स्कूल भी संभालती है वाकई में। और मैं मुझे याद है और मुझे मालूम भी है और मैं देखता भी हूँ, अभी मुझे मत नहीं लगाती अभी मुझे थोड़ा समय मिल गया पहुंच के बाद तो मुझे पता चल गया। तो दे डू सो मेनी जॉब्स एंड वी मस्ट पे होमेज उसमें। मैं कई जगह बाहर जाता हूँ, पहले मैं वीर पत्नियों के या वीर माता के घर जाता, पिछले हफ्ते में मुझे वरोड़ा में बुलाया, लगभग 1000 लोग थे वहाँ वरोड़ा में एंड पहले मैं वरोड़ा जाने के क्योंकि मेरे पास लिस्ट आ गई थी वीक ऑफ द इन्फॉर्मेशन देते रहते और पहले मैं दाहुली श्री एंड श्रीमती दाहुली उनका बेटा शहीद हुआ था गुरेज 6 से 7 गोली उसको लगी थी थेराफ्टर ही वाज बरीड। आपको याद होगा कुछ साल पहले हिज बॉडी वाज रिक्यूल्ड फ्रॉम द एवलैंच स्नो में से निकाली गई थी, उसका छोटा स्मारक हमने वहां पर बनाया हुआ है वडोरा में एक शौहर है उनके घर गया सबसे पहले मैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, वो मेरा हसीन करके लिए मेरा इट्स माई पैरामाउंट ड्यूटी टू मीट द वीर पत्नी टू मीट द वीर माता। और जब भी आपको भी कभी मौका मिलता है कहीं से पता चलता है गो एंड मीट देम देवी वीर वेरी प्राउड एंड रमेश चांदल स्कूल इतना कई स्कूल में आपका जो समूह है तो इन लोगों का जो योगदान है वो भी इस हिसाब से बहुत बड़ा है। मुझे सर्विस के अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कई लोगों को मालूम नहीं होता है उसमें वो पीछे रह जाते हैं क्यों रहते हैं मुझे मालूम नहीं बट आई विल ट्राई हेल्प यू इफ यू मीन व्हाट एवर द बेस्ट आई नो आई विल ऑलवेज हेल्प यू सो दैट हमारे एक दो बच्चे जाएंगे आगे चल के और आगे जाते रहेंगे और आगे चल के हमको हमारा यहाँ का वैधर्मीय लोगों का परसेंटेज और टक्का जिसको बोलते मराठी में वो बढ़ा। मैं इतनी 40 साल सर्विस की लेकिन मुझे कभी कोई मेरे को यहाँ पे बड़े अधिकारी नहीं मिले, सिर्फ एक अधिकारी मुझे मिला था जो हमारे नागपुर का और जो मेरे बॉस थे एक किस्म का बॉस तो नहीं बोलूंगा कमांडर क्योंकि मिलिट्री में बॉस ये कर्मियों में जी भी होती है ही से कमांडर। और वो आपको बहुत सुन के बहुत खुशी होगी मैडम को बताया था ही वॉज फ्रॉम दिस स्कूल वाइस एडमिरल सुनील दामले और उन्होंने कुछ साल पहले यहाँ पे आए आप लोग को शायद याद होगा दामले साहब ने छोटी सी यहाँ पे ना उन्होंने डोनेशन भी की आपके स्कूल में आए थे उस साल पे ही वॉज फ्रॉम दिस स्कूल ऑफकोर्स ही इज नॉट सेटल हियर नाउ ही इज स्टडिंग अब्रॉड। जब मैं इंडियन नेवल अकेडमी कंस्ट्रक्ट कर रहा था आई वॉज द चीफ इंजीनियर मैंने जो फौज ज्वाइन किया फौज में मैं रहा मुझे फौज में सारा नॉलेज सिविल में क्या किया मैंने सिर्फ बी किया था एक नॉर्मल डिग्री दैट्स ऑल एमटेक को आर्मी ने बनाया एमबी को आर्मी ने बनाया एमबीए को आर्मी ने भेजा कमांड कोर्सेस किया कमांडो कोर्स किया पीटी कोर्स किया रेडक्रॉस कोर्स किया हेवी मशीनरी कोर्स किया कैमोफ्लेज कोर्स किया अन्य कोर्स किए और उसके बाद मुझे जब मौका मिलता गया मेरे को साथ साथ मैं केवी इसलिए कई जगह सब मिलता रहता एंड बाकी जगह आपको मौका नहीं मिलता तो उसके पढ़ाई का भी बहुत स्कोप होता है
खेलने का शौक हो जाता और देखते देखते ऐसे कोई सरहद नहीं थी जहाँ मेरी तैनाती है। उसे कभी बुरा लगता था लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी जहां पर मौका मिलेगा ये वो नेवर लीगा पूरी सर्विस करके बाहर आ आई सर्व टिल लास्ट डे लास्ट उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करता रहा और उसी दौरान मुझे श्रीलंका लड़ाई में जाने का मौका मिला 1987 में। हम लोग उन पहले लोगों में थे जो कांके संतुराई जो एनपीटी का जो बेस था जापना के रेंचर में वी लैंडेड देयर इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे रात के 3:30-4 बजे ग्राउंड पे। जब हम छलान लगाई हमने तो हम इतने रेत में जो लूज रेत होती है ना ऐसा लगा कि समुद्र खाने क्योंकि जब आप जंप लगाते हो तो जो उसको मॉन्स्टर सी कहते हैं that sea which comes in the way of palm it is written in fact it is going it is engulfing you with it. हम वहाँ पे क्योंकि order था लगा शरण you can't look back वहाँ पे उसके बाद मुझे कारगिल जाने का मौका मिला था। कारगिल में नहीं गया कहाँ किससे भेजा किस वॉयस से भेजा तो इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे हम हमारा योद्धा देश के लिए और भी कई चीजें बताने के लिए लेकिन समय के अभाव से मैं आगे बात नहीं करूंगा। आज भी मेरा 30 साल संबोधन में मुझे मौका मिला आप लोगों ने मुझे इतने प्यार मोहब्बत से यहाँ बुलाया उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने जो परेड की रंगारंग कार्यक्रम किए उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई दिया। मैडम ने भी मेरी कई छोटी छोटी बातें बताई एक चीज में बताना भूल गया इन्होंने जाने का स्वागत बात का उल्लेख किया था आपने और वो मैं बताना नहीं चाहता आई विजिटेड दैट प्लेस आपको जब कभी मौका मिलता है तो अमृतसर भी जाइए और आपको मौका मिलता है कुछ लोग गए होंगे तो द्रास भी जाए द्रास में हमारा 527 लोगों का वहां पर कंप्लीटली एक स्मृति की जगह बनाई आपके अपने से आंसू आ जाएंगे। आई वॉज पोस्टेड इन द्रास 5540 जस्ट एडजेसेंट टू दैट द्रास इज ए वेरी मॉर्स सेक्टर कई जगह पाकिस्तान में भी वो मौका नहीं है कहानी बताने का नंबर उसके बाद हम राजस्थान में होंगे तो ये सब मेरे को उसका जालियन वाला बाग पुस्तक का 13 अप्रैल 1919 जिस दिन बैसाखी हुई थी उसके पहले दिन सब लोग इकट्ठा हो गए और टूवर्ड्स पोस्टेड इन जलंधर वो पूरा जाके अपने 72 लोगों को और लगभग वहां पे कुआ है वो कोई भी लोगों को पढ़ा हुआ किसी ने हिस्ट्री आप पढ़ो ये सब चीज हमने पता है We should not take anything out of the US and that वो तो पढ़ते रहेंगे हम लोगों को फोटो भी मत देखो इतना हम लोग कोई टूर करके आ गए पूरे एरिया में उसके फॉरेन टूर की बात चुकी है कि मेरा बेटा अमेरिका में माजी सुन गई फॉरेन में हमने हमारा भी इतना दोहराना है बताया और वो आज का उद्देश्य था जो मेरी पार्टी मेरा देश उसकी इंफॉर्मेशन बताई और उस तरीके से हमने हमारा साथ ही साथ वसुंधरा का जो मेरे भाग है वसुंधरा का भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए plant the trees you people are doing that and साथ ही साथ हमने ये बच्चे जो सुन रहे हमेशा बुजुर्गों का आपसे जो बड़े उनका सम्मान रखो स्त्रियों का सम्मान रखो किसी लेडीज को गर्ल्स को औरत को ऐसे बातें नहीं कहना ये बच्चे जो भी सुन रहे हैं जो भी पुरुष सुन रहे हैं चाहे घर में कि जिसकी वजह से उनका दिल दुखाना चाहिए नेवर डू दैट बिकॉज वो हमारे धरोहर के खिलाफ है। आखिरकार यहाँ पर बुलाने के लिए पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद मेरे साथ एक बार जोर से जय हिंद पुकारेंगे सेट जय हिंद धन्यवाद आप सब को जन्म दिया सेवानिवृत्ति के बाद भी आप समाज कार्य में सदते हैं सर जैसे कि आपने कहा कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट तो बनाई है पर सब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाया और लिख दिया सर्वे संतो निरामया यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर करी दया। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहित जी शासन को सर प्लीज सही में युवावस्था जीवन का नसल का
मैंने सब लोगों का जो उत्साह देखा बच्चों का दूसरा सब लोगों का उससे बड़ा मन भराया बड़े प्रेम की फीलिंग हो रही है अंदर प्रेम आपको सुना ऊर्जा शक्ति उत्साह और मन से भरपूर जीवन में रहा है। इस काम में उचित और श्रेष्ठ मार्गदर्शन सभी के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। यही समय है जब जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। आज खास खुशी की बात तो यह है कि हमें हमारे मैडम ने जो हमारे देश को उनके आया उनके दिल में जो देश के प्रति प्रेम है उनका जो अनुभव है उनकी जो उनकी बांटने की जो उनकी इच्छा थी शायद हम लोग अधूरी लगती है लेकिन सही में बड़ा मतलब अच्छा उत्साह बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये दिन क्या होना चाहिए और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। आज ऐसा है कि सत्य और अहिंसा के आधार पर चले गए शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा भारत को जो आजाद दिलाने वाले महापुरुष को जीवन का उनके सिद्धांतों और आदर्श का परिचय पाना भारतीय प्रजा की मतलब बहुत जरूरत है। हमारी पीढ़ी और भावी परिस्थितियों के लिए कितना आवश्यक है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे ये बताना है कि भाई तो अपनी जगह सही है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ शांति आंदोलन और बहुत तरीके से आंदोलन हुए जिससे हमको आज़ादी मिली है। मतलब खास करके मतलब गांधी जी को मैं खास मौके पर याद कर रहा हूँ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उदात्त जीवन और कार्य पद्धति पर गहरा प्रकाश डालने वाले जो ग्रंथ है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा हम लोग बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए मुझे प्रश्न लगता है। सरकार जो भी सरकार का जो भी मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ये गांधी विचारधाराओं से ही प्रेरित है। गांधीवाद आदर्श संविधान के मौलिक अधिकारों का में व्याप्त है। बापू की शिक्षा है मानवता के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रही है। महात्मा गांधी केवल एक नाम नहीं है वह एक सोच एक दर्शन और एक जीवन शैली है। उन्होंने कई पीढ़ियों और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और करते रहेंगे। मतलब उनका गांधी जी का जो सिद्धांत पालते हुए मतलब मानवता की जो सेवा करने और स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में सक्षम होगी। आज दुनिया के सामने मौजूद कई खतरों के लिए गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन और युद्ध तक गांधी के विचार सभी खतरों को समाधान प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज जरूरत है हमें आजादी ऊंची आजादी हमें जरूरत है आजादी आर्थिक गुलामी चाहिए हमें आजादी मिलावट से आजादी बीमारियों से आजादी सांस्कृतिक शोषण से चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम पूरी लगन से हमारे कर्तव्य का पालन करें। समझो सबसे करो अपनी और करने का साहस करो। भूल से डरो मत जो भूल से डरा वह जल्दी ही अनुयायी बन जाता है और अनुयायी बनने का मतलब है कि भूल करने की हम हिम्मत नहीं करते। तो आप सभी इतने अनूठे हैं कि आप जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी कोई होगा। ईश्वर आप सबको धैर्य और साहस प्रदान करें ये कामना के साथ मैं शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए मैं कीर्ति बल्कि मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। खूप खूप आभार मानते। कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी ब्रिगेडियर श्री
सुनील गावपांडे सर यांनी आपला अमूल्य वेळ व मुलाचे मार्गदर्शन दिल्याबद्दल सर आपले मी मनस्वी आभार मानते. सर आपण ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटी सांगितल्या त्या आम्ही सगळ्या शाळेत केल्या. धन्यवाद सर. नागपूर शिक्षण मंडळाचे कार्यवाह ॲडव्होकेट श्री राजीव देव सर वक्तशीर नियोजन बदलाखली याबाबत मार्गदर्शन लाभल्याबद्दल सर आपलेही शतशः आभार मानते. नागपूर शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष शोध विकास भिंगानी सर कोणतेही कार्य असो मदतीसाठी तत्पर असतात त्याबद्दल त्यांचेही आभार. कार्यक्रमासाठी वेळोवेळी सूचना देणाऱ्या व तो उत्तमरित्या कसा होईल यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ यावलकर मॅडम यांच्या मी ऋणातच राहू इच्छिते. नागपूर शिक्षण मंडळाचे सर्व पदाधिकारी तसेच निमंत्रित आमंत्रित मान्यवर मंडळी कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. सर्व संस्था प्रमुख मोंदा सायन्स कॉलेज डॉक्टर दोंदुलवा सर, एस बी सी टी कॉलेज डॉक्टर मैत्रे सर, भिंजानी महिला कॉलेज डॉक्टर लांजेवा सर, रमेश शांडे इंग्लिश स्कूल ते मॅडम, रमेश चांडर के जी स्कूल शाळा मॅडम, तसेच सर्व संस्थांमधील प्राध्यापक अध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर सहकारी वर्ग निमंत्रित पालकवर्ग आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून अनेक कामे एकता हीच आमची शान आणि त्यासाठी आमचे नागपूर शिक्षण मंडळ महान हे दाखवून दिले त्याबद्दल सर्व सर्वांचे धन्यवाद. आमच्या शाळेचे कॉफी टेबल ग्रुप हे श्रीयुत भिंजानी सरांच्या सहकार्यामुळे पूर्णतः झाले त्याबद्दल सरांचे मनपूर्वक आभार मानते. हौसलों की उडान या हस्तलिखित उपक्रमात सहभागी असणारे विद्यार्थी व त्यांना मार्गदर्शन करणारे शिक्षक यांचेही धन्यवाद मानते. रमेश चांडक इंग्लिश स्कूल आणि आमच्या विद्यालयाच्या चमूने उत्कृष्टरित्या सादरीकरण केल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप कौतुक करते व भविष्यासाठी शुभेच्छा देते. श्रीमती भिंजानी महिला कॉलेज ही संगीत चमू, आमच्या शाळेची संगीत चमू तसेच एन सी सी कॅडेट्स यांनी सादर केलेल्या परेड्समधून प्रत्येकाच्या मनात देशभक्ती जागृत झाली. देशासाठी समर्पण त्याग या भावना जागृत झाल्या त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. कार्यक्रमास प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले विद्यार्थी व ऑनलाईन द्वारा कार्यक्रमात सहभागी होणारे विद्यार्थी तसेच पालकवर्ग यांचेही खूप खूप कौतुक करतो. देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करताना मेरी माटी मेरा देश या अंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. वसुधा वंदन, पंचप्राण प्रतिज्ञा, विरोगा वंदन या अंतर्गत चित्रकला प्रदर्शन भरवण्यात आलेले आहे त्या टीमचेही धन्यवाद करते. अतिथींचा परिचय पंचवय मॅडम, प्रांगण संचालन मोजरकर मॅडम, मंच संचालन सेठी मॅडम या सर्वांच्या मी ऋणातच राहू इच्छिते. कुमारी किमया ही सुंदर गीताने मन मोहित करीत कार्यक्रमाची सांगता करणार आहे त्याबद्दल तिचे अभिनंदन. शाळेच्या सर्व शाखा प्रमुख शिक्षक शिक्षकेतर सहकारी वर्ग या सर्वांचे प्रयत्न म्हणजे कार्यक्रमाचे यश त्याबद्दल सर्व सर्वांचे आभार. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे धन्यवाद मानते. शेवटी एवढेच म्हणे पूर्णविराम म्हणजे शेवट नाही कारण त्यानंतर आपण नवीन वाक्य लिहू शकतो. त्याचप्रमाणे आभार प्रदर्शन म्हणजे शेवट नाही तर ती नव्या यशाची सुरुवात असते. पुनश्च एक बार सर्वांचे आभार मानते आणि आपली रजा घेते. धन्यवाद. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. Thank you.
मैडम ओके सर थैंक यू सभी मेहमानों से निवेदन है कि जल्द